इन्होंने दादी दुर्गा बहू दुर्गा जो कभी हमें सांस नहीं मान सकती, उन्होंने ही हमारी सांसों को रोकने की कोशिश की। क्या बोल रही है सासू माँ? गुड्डन माँ जो कह रही हो सच है क्या दुर्गा? हाँ दादी, इन्हीं की वजह से हम उस बक्से में पहुंचे थे। हमारे पास इनके खिलाफ ये सबूत भी है। अच्छा, तो ये सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? जी। तो फिर ये क्या है? मेरा मंगलसूत्र तो अपनी सही जगह पर है, न जाने तुम किसका मंगलसूत्र लेके आई हो मेरे खिलाफ सबूत बनाकर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझको तो लगता है कि सासू माँ ने ही कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा, जिसके चक्कर में वो बक्से में जाकर फंस गए। जब पूजा के लिए देर हो गई तो पूरा का पूरा इल्जाम दुर्गा दी पर लगा दी। पता है क्यों? दुर्गा दी उनको अपनी सास नहीं मानती है ना। और गुड्डन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो इतना बड़ा इल्जाम किसी पर ऐसे ही लगा दे। कुछ तो बात होगी ही ना। वाह दादी वाह, आज तक ये पूजा मैंने की, करवा चौथ की कथा मैंने की, धनतेरस पर खुद दिए बनाकर उनमें जोत जलाने से लेके उसे बुझने ना देने तक का सारा कार्य मैंने किया। पर इस साल आपने ये सारी जिम्मेदारी मुझसे छीनकर इस गुड्डन को दे दी, इन दोनों की सास को दे दी। आज आपने मुझसे मेरा विश्वास ही छीन लिया दादी। आपको इस गुड्डन पर भरोसा है? पर इतने सालों से जो आपकी बहू सारी जिम्मेदारियों को इतनी अच्छे से निभा रही है उस दुर्गा पर नहीं है? इजे, आप बताइए ना मुझे, इस घर की बड़ी बहू को अपने ही घर में ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इजे, जिन सवालों की कोई आधार ही नहीं है। मैंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दे दी। मैं अगर चाहती तो शादी के बाद अपनी पढ़ाई, आगे का शिक्षण, नौकरी को महत्व दे सकती थी, पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे लिए इस घर की जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी थी। मुझे अधूरा था ये घर, इस नई सास के आने से पहले तो सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी ना मैं जी, पर इसके आते ही मेरे सालों की ईमानदारी पर ऐसे सवाल उठेंगे कभी सोचा नहीं था मैंने। दुर्गा बहू एकदम ठीक कह रही हैं। ये सालों से पूरी ईमानदारी के साथ इस घर को संभालती आई हैं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। अगर ये कह रही हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो बात बहुत ही सिंपल है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी।
देखिए आप सबको जो लग रहे हो बिल्कुल गलत है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से प्रूव करें। बस बहुत हो गया, दिवाली का दिन है, फिजूल की बातें मत कर। पता नहीं दुर्गा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डन माँ जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। अच्छी बात है, मेरे अपने पति को भी मुझसे ज्यादा उस गलतियों की दुकान गुड्डन पर भरोसा है। आपका असली मंगलसूत्र, ये आपके गले में ही ठीक लगता है, इसे संभाल कर रखिएगा, हो सकता है कल को किसी और के हाथ लग जाए। और ये जो दूसरा मंगलसूत्र है ना, इसे जहां से लेकर आई है ना दुर्गा जी, वहीं पर वापस कर दीजिएगा। यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि पत्नी के लिए उसका मंगलसूत्र सबसे अनमोल चीज होती है, जिसे वो आसानी से छोड़ती भी नहीं है और बदलती भी नहीं है। ये मंगलसूत्र वापस करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम मेरी सच्चाई जानती हो? और भी अगर कुछ जानना हो या कोई शक हो या और भी कोई समस्या हो तो मुझसे ही पूछ लो ना। हाँ, ये सब मैंने ही किया है, मेरा ही काम है ये। विस्तार में जानना चाहोगी ये सब मैंने कैसे किया? लक्ष्मी और सरू जो तुम्हें अपनी सास मानती हैं, उन्हें भी उस दत्ता को बेच दिया था। इसलिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें कबाड़ वाले को बेच दिया। पूरा इंदौर जानता है कि दुर्गा जिंदल न्याय ही करती है हमेशा। अच्छा, अगर आप इतना ही न्याय करती हैं, तो आपने वो मंगलसूत्र वाली बात सबके सामने झूठ क्यों बोली? ये सवाल अपने लॉर्ड कृष्णा से पूछो, उन्होंने भी समाज की भलाई के लिए बहुत सारे झूठ बोले थे। मैंने भी जिंदल परिवार की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो क्या गलत किया? मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में, कितना भरोसा है इस घर के लोगों को मुझ पर।
और अगर तुम्हें सच बोलने का इतना शौक था तो साबित करना चाहिए था ना। या एजे को मेरे साथ देखकर डर गई? उन्होंने आपका साथ पता है क्यों दिया दुर्गा जी? क्योंकि वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और आप उन्हीं का भरोसा तोड़ रही हैं। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। अरे आप इतने सालों से इस घर को और इस घर के लोगों को संभालती आई हैं, आप पर ये सब सूट नहीं करता दुर्गा जी। अरे गलतियां करने का डिपार्टमेंट तो हमारा है, गुड्डन का। आप एजे जी को और बाकी सब घर के लोगों का विश्वास मत तोड़िए, वरना फिर आप में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा? फर्क है, तुम्हारी गलतियों से इस घर को हमेशा नुकसान ही पहुंचा है, पर मैंने इस घर की खुशियों के लिए गलती की और ऐसी और कई गलतियां करने को तैयार हूं। चाहे तो आजमा कर देख लो। ठीक है दुर्गा जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आपने हमें बेचा, हमने आपको बेच दिया, इल्जाम बढ़ा दिया। अब आज के बाद हम आपको गुस्से का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। आप तो ठीक है ना? अब देखिए त्योहार वाले दिन तो दुश्मन दुश्मन भी आपस में गले मिलकर सारी दुश्मनी भूल जाते हैं। हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं दुर्गा जी, तो हम तो फिर आपस में मिलकर ये नफरत वाली दीवार गिरा ही सकते हैं ना। अपनी अच्छाई के नगाड़े किसी और के सामने पीटना, दुर्गा जिंदल के कानों तक ये शोर नहीं पहुंचता। देखिए दुर्गा जी, हम है ना आपको प्यार से समझा रहे हैं, तो आप प्यार से समझ जाएं, वरना फिर हम भी आपकी सास हैं रिश्ते में और नाम है गुड्डन अक्षत जिंदल, जोर जबरदस्ती से भी बनवा सकते हैं। क्या है ना, हम अपनी बात हमेशा मनवा कर ही रहते हैं, फिर चाहे प्यार से या डरा दूंगा घर, और फिर चाहे वो आप हो या जंगल। नहीं, मैं आपके पास ही पहुंचवा देता हूं, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ ये क्या बकवास है ये? लिसन, आई जस्ट कॉल यू बैक। क्या गंदगी फैला रखी है इस लड़की ने, इतने सारे रंग। गंदगी? एक मिनट, क्या तू हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने, और ऊपर से हमारी रंगोली को गंदगी बता रहे हैं? पता भी कितनी मेहनत से बनाई हमने ये रंगोली। जी हाँ। कहाँ है? ये क्या? ये रंगोली नहीं है, एक बच्चे की खेली हुई होली है। रंगोली? आपको पता भी है कितने कितने अच्छी रंगोली बनाते थे हम? जब 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 छुट्टी और हम रंगोली बनाते थे ना, तब पूरे मोहल्ले में पता चलता था सबको कि आज गुड्डन और छुटकी ने रंगोली बनाया था। सब टिकट लेके देखने आते थे, हाँ इतनी अच्छी रंगोली बनाते थे। और आपको पता वो बालिका विद्यानिकेतन ये तो तूने बहुत गलत किया, मेरे बच्चे की सारी रंगोली तूने खराब कर दी। इसके साथ बैठ, इसकी मदद कर, ठीक करा सब कुछ। मुझे बहुत काम है माँ, मुझे नहीं। तेरे को तो बहुत काम रहता है,
ज्यादा चुंगू चड़ाक मत कर, बैठ इसके साथ और मदद कर इसकी। चुप चुप, अब तेरी रंगोली बड़ी अच्छी बनेगी। और मेरा लल्ला तुझे तंग करे ना तो तू फिर मुझे बुला लेना। हाँ हाँ दादी। हो गई, मतलब ये सब ड्रामा था? देखिए क्या है ना, जब लड़ाई में हमें हमारी जीत मुश्किल लगने लगती है ना, तो फिर हम ये आंसू गलत ऐसे रावण चला दिया करते थे। अब जैसे आपको आपको भी तो रंगोली बनवाने बैठा ही दिया ना हमने। तुम ना बहुत दादी। बना तो रहा हूं दादी दादी दादी। हाँ तो बनाएंगे या? अब हमने तो बना दी। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा जमीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है मैं रक्त कलम हा, तू धूप सहर है। तो बन गई आपकी रंगोली? हाँ, तो बननी थी वो तो। अब ऐसा कौन सा काम है जो गुड्डन से नहीं हो सकता? पर एक काम सही हो गया ना आज, ऐसे रंगोली बनाने के चक्कर में हमने आपको रंगोली बनानी सिखा दी है कि नहीं? मानते, बिल्कुल मानते। ये रंगोली तुमने ही तो बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई। हाँ सही कहती हो, गुड्डन से सब हो पाता है। सब गुड, वेरी गुड। इतने सारे पटाखे फोड़ेगी? अरे दादी आपको पता है हम इससे भी ज्यादा पटाखे फोड़ते थे जब हम घर पे थे।
फिर अब हमें अकल आ गई, अब हमें पता चल गया कि इससे हमारा ही नुकसान होता है, इतना पोल्यूशन होता है, तो अब है ना दादी हम सरकारी नियम के हिसाब से पटाखे फोड़ते हैं। कम तेरे पापा का फोन है। हेलो भूषण जी, कैसे हैं आप? जी हम सब अच्छे हैं माँ जी। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी। इस दिवाली को तो गुड्डन ने खुशियों से भर दिया है बस। ले बेटा तेरे पापा का फोन है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली बेटा। पहली बार आप सबके बिना दिवाली मना रहे हैं ना, तो बहुत अकेला अकेला महसूस हो रहा है। आप सबकी बहुत याद आ रही है। बेटा सुबह से मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन भी किया, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा तो फिर दामाद जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि तुम शायद कोई दूसरे काम में बिजी होगी। चलो अंकल में इतनी अकल तो है कि पापा के सामने मुंह नहीं खोला। हाँ बेटा वो क्या जरूरत थी इतने सारे तोहफे भिजवाने की? तोहफे? हाँ तोहफे, वो पार्व जी जो लेकर आए हैं ये दिवाली के तोहफे। पर जी यहीं पर हैं, बात करोगे उनसे? गुड्डन। हैप्पी दिवाली मेरी बहन की सासू माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे घर जाने की? क्या आप भी ना, क्या आपका घर मेरा घर? यहाँ आकर मुझे अच्छा लगता है, एक अपनापन सा है यहाँ, यू नो, तो जब मन करता है आ जाता हूँ और आगे भी आ जाया करूंगा। देखो पर तुम्हारी भलाई ना इसी में कि तुम जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। वैसे भी ना हम आज के दिन तुमसे बात करके अपना त्योहार का दिन नहीं खराब करना चाहते। वो कहते हैं ना कि लंबी जिंदगी जीने के लिए जहरीले और बुरे संगत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, और जैसे कर्म तुम्हारे हैं ना, ये दोनों के दोनों गुण तुम्हारे अंदर भरपूर भरे हुए हैं। अरे वाह, आपने तो क्या तारीफ की मेरी। हैप्पी दिवाली। ये लीजिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। शुभ दीपावली आपको। शुभ दीपावली आपको। बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। अरे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर तोहफे लाते हो तो आते रहा करो ना। हाय कितना खूबसूरत लग रहा है ना मुझ पर, क्यों छुटकी है ना? अरे छुटकी तू जा जाकर बर्फ को बाहर तक छोड़ कर। अरे तू तो शर्मा गई। चल छोड़, मैं ही छोड़ कर आती हूँ। चलिए दामाद जी। चलता हूँ। इस बर्फ की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे घर करने क्या गए? मैं पापा से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा। पापा वो पर्व यही है क्या अभी? वो तो अभी अभी बाहर गए, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। नहीं नहीं हम उसे ही फोन कर लेंगे जी। जी आप अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ रेवती से पर्व के साय को दूर करना पड़ेगा। वैसे तुमने तलाक के पेपर्स पर सिद्धि से साइन करवाए? वो क्या है ना बेटा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए तुम्हारी प्रेमिका आए, उसकी माँ नहीं, तो फिर जल्द से जल्द तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लो। उसके बाद छुटकी तुम्हें बाहर तक छोड़ने तो क्या, तुम्हारे साथ बाहर भी जाया करेगी। आयुष्मान भव। ये बढ़िया जितनी जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे भी है। इतना महंगा हार दिया फिर भी पेट नहीं भरा इसका। डिवोर्स पेपर्स के नाम पे रो रही है, लालची बुढ़िया कहेंगी।
ओम चंदनम शोभनम रक्तम सुखवर्धनम शुभदम कामदम च विसिंदूरम प्रतिग्रहंता। जिंदल बहुत बड़ी गलती कर रहा तू ये। क्या बकवास है ये? क्या हो रहा है ये? आज से बल्कि अभी से ये सब जिस पे तुम्हें इतना गुरूर है मेरा हुआ। अक्षत जिंदल ने ये सब खरीद लिया। पढ़े लिखे तो हो ना तुम, या धोखेबाजी से ही खड़ा किया ये सब तुमने? क्योंकि अगर हो तो पढ़ लो और जान लो कि अब ये सब अक्षत जिंदल के नाम पे। इसीलिए दिवाली की पूजा भी अब हम ही करेंगे। एंड यू गेट लॉस्ट। व्हाट? इतना फड़फड़ाओ मत दत्ता। बहुत खुशनसीब हो तुम कि तुमको मुझ जैसा दुश्मन मिला है, जो सामने से वार करता है, जिसके वार करने के भी कुछ उसूल होते हैं, जो दुश्मनी में भी एक अदब रखता है। क्या है ना, इंसान को अपने कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि उन कर्मों का हिसाब किताब सब यहीं करना होता है हमको, और उनकी सजा भी हमको यहीं मिलती है। इसीलिए ये 3 पत्ते हमेशा अपने साथ रखना, तुम्हें तुम्हारी हार की वजह याद दिलाते रहेंगे। इनको बाइज्जत बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहा है अक्षत जनरल। इस दिवाली तेरा दिवाला नहीं निकाला ना तो मेरा नाम दत्ता नहीं, क्योंकि इंसान को उसके कर्मों की सजा यही मिलती है। सॉरी सिद्धि जी। अरे आप तो पटाखे फोड़ने वाली थी, क्या हो गया? किसका इंतजार कर रही हैं? पर्व का सिद्धि जी, आ गया क्या वो? नहीं, वो तो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ दिवाली का गिफ्ट देने गए हैं। सिद्धि जी, जी क्या करें, बता देने। कुछ नहीं पर... God. पहली बार कोई इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या बात है। माफी चाहूंगा, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। पर मैं करता भी तो क्या करता, सोचिए ना, मैं इतने दिनों बाद अपने ससुराल गया था और फिर आपकी बहन से मिलकर दिल एकदम फ्रेश हो गया। और फिर सासू माँ भी तो नहीं छोड़ रही थी, खिलाने पिलाने में लग गई, फिर क्या करता बताइए। अच्छा स्टॉप, सॉरी
कोई हमारे घर जाने की? मैं क्या लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे? और जिस भी मत सोचना पर कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो हालत करेंगे ना जो तुमने अपने डरावने से डरावने सपने में नहीं सोचा होगा। अरे गुड्डन जी, आप तो नाराज हो गई। अरे बाबा, मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करने थोड़ी गया था वहां, मैं तो दिवाली के तोहफे देने गया था। पर तोहफे देते वक्त मेरे हाथ आपकी बहन के हाथ से टकरा गए। यकीन मानिए, बॉडी में एकदम करंट सा दौड़ उठा। और आपकी बहन का हाथ भी तो है बिल्कुल मक्खन जैसा। मन करता है बस बैठ कर उन हाथों को चूमता जाऊं, चूमता जाऊं और चूमता जाऊं।